फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी, इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फिलोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर बाकी। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। पिछले विधानसभा चुनाव तक अजय सिंह राहुल बिंद क्षेत्र की 30 सीटों में अधिकांश टिकटें अपनी मनमर्जी के मुताबिक बांट दिया करते थे, लेकिन 2023 में कमलनाथ ने काफ़ी कुछ टिकटें अजय सिंह राहुल की इच्छा के विरुद्ध भी बांट दी हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है नागौर विधानसभा। अजय सिंह राहुल के कट्टर समर्थक यादवेंद्र सिंह यह मानकर चल रहे थे कि अजय सिंह राहुल उन्हें टिकट दिला ही देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया इस बार। इसके अलावा अजय सिंह राहुल नहीं चाहते थे कि मैहर से नारायण त्रिपाठी को टिकट मिले, लेकिन अजय सिंह राहुल की इच्छा के विरुद्ध भी मैहर से नारायण त्रिपाठी को कांग्रेस की टिकट मिलने की संभावना प्रबल है, क्योंकि कमलनाथ चाहते हैं कि नारायण त्रिपाठी कांग्रेस की टिकट पर मैहर से चुनाव लड़े। सूत्रों से पता चला है कि जब मैहर से नारायण त्रिपाठी को कांग्रेस की टिकट देने पर चर्चा शुरू हुई तो अजय सिंह राहुल ने यह कहते हुए एतराज़ जताया कि उन्होंने मुझे चुनाव हराने के लिए काम किया था। इस पर कमलनाथ ने जवाब देते हुए कहा कि आप भी बहुत सारे नेताओं को चुनाव हराने का काम कर चुके हैं। बात यहीं पर ख़त्म हो गई। सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक कांग्रेस की जो भी अगली लिस्ट जारी होगी उसमें यदि कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो मैहर से नारायण त्रिपाठी की टिकट फाइनल हो चुकी है। अब सवाल यह उठता है कि जब कांग्रेस की तरफ से नारायण त्रिपाठी की टिकट फाइनल हो गई है तो मैहर में रामनिवास उर्मलिया और धर्मेश घई क्या करेंगे? लगातार 5 साल रामनिवास उर्मलिया और धर्मेश घई कांग्रेस के लिए जिंदाबाद करते रहे, लेकिन जब टिकट मिलने का समय आया तो कांग्रेस ने नारायण त्रिपाठी को टिकट दे दी, या यूं कहें कि नारायण त्रिपाठी बाजी मार ले गए। ऐसे में जमीनी कार्यकर्ता निश्चित तौर पर हताश और निराश होते हैं। फिर भी मैहर के लिए नारायण त्रिपाठी बड़ा नाम है और कांग्रेस सरकार बनाने की दृष्टिकोण से कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। कांग्रेस की कोशिश है कि जीतने वाले चेहरों को ही टिकट दी जाए। 17 अक्टूबर को जिस तरीके से नारायण त्रिपाठी ने आकर मैहर में अपना जलवा जुलूस बिखेरा और मैहर की जनता को यह बताने की कोशिश की कि मैहर को जिला बनाने में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका थी और बिंद बनाने में भी मेरी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जब नारायण त्रिपाठी कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ेंगे तो विंध्य की आवाज़ का क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस अलग विंध्य प्रदेश बनाने के पक्ष में तो नहीं है। आप हमारी खबरें देखने के लिए www.vishalkhabar.com YouTube, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आप विशाल खबर चैनल को देख रहे हैं और अभी तक विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करिए।